कहां है आद्या? किस पुरानी किरदार की एंट्री से मचने वाला है सीरियल में बवाल? क्या अनुज के अपने ही हैं उसकी इस हालत के जिम्मेदार? अनुपमा कैसे करेगी सच का पर्दाफाश? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। अनुपमा सीरियल की एक चटाकेदार अपडेट सुनने के लिए चलिए जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। शो के लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा ने देखा अनुज के साथ एक होने का सपना, लेकिन नींद से उठने पर अनुज के गायब होने की खबर आई। अब दोनों मिल तो गए, लेकिन अनुज की हालत में कोई सुधार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वनराज बापूजी से अपनी दूरी के लिए आज भी अनु को ही जिम्मेदार मानता है, और इसलिए अनुज की इस हालत के लिए भी वो उसी को दोष देकर अनुज और अनुपमा के दुख में बेहद सुखी है। तो आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड्स में अनुज अनु के सामने ऐसी कौन सी बात कहेगा कि उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा अनुज के सीने से लिपटी उसकी और छोटी अनु की फोटो देखकर उससे आद्या के बारे में पूछेगी। ऐसे में पहले तो अनुज कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसके बार बार पूछने पर आंखों में आंसू भरकर कहेगा, वो तो मुझसे बहुत दूर चली गई, भगवान के पास। ये सुनकर अनु दुख और गुस्से से चीखेगी और कहेगी कि चाहे भगवान भी उससे आकर कहे, तब भी वो विश्वास नहीं करेगी कि उसकी छोटी अब इस दुनिया में नहीं है। शो में होने वाली है ऐसे दो पुराने किरदारों की एंट्री जिनका ग्रे शेड हम पहले भी देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अनुज के भाई भाभी अंकुश और बरखा की। जी हाँ, वही दो लोग जिन्होंने पहले भी कपाड़िया अंपायर को हड़पने की कोशिश की, लेकिन कैसे हुई इन दो किरदारों की एंट्री? दरअसल जब अनुपमा ने अनुज से आद्या की मौत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये सच उसे अंकुश भैया और बरखा भाभी ने ही बताया। अब ये बात सच है या अंकुश और बरखा की एक और सोची समझी चाल, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। फिलहाल अनुपमा और अनुज की बुरी कंडीशन से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है कभी अनु का हमसफर रहा और अब उसका जानी दुश्मन बन चुका वनराज। वो मान के इस मुश्किल समय से बेहद खुश है और चाहता है कि उनकी मुश्किलें घटने की जगह और बढ़ जाएं। अब ऐसे में उसने पहले ही अनुज की इस खस्ता हालत के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में वनराज अपनी नफरत और घमंड में चूर होकर कोई बड़ा कदम भी उठाए जिसमें उसके प्यादे पाखी और पारितोष भी उसका साथ देंगे। तो फिलहाल अनुपमा और अनुज एक बार फिर 6 महीने पहले एक होते होते रह गए थे, लेकिन अब उन्हें किस्मत एक ऐसी जगह ले आई है जहां उनके लिए अपने रिश्ते को शुरू से शुरू करना पड़ सकता है। पर इतिहास गवाह है कि अनुज और अनुपमा का प्यार हर मुश्किल पर भारी पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या है शो की ताजा खबर पर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और चैनल का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें इंस्टाफीड के साथ।